जारी कस्ता यू कुल हवेलियां और हानपुर हवेलियां ताटकिया बाकायदा न्यूज चैनल जिसकी इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है जलाल बाबा ऑडिटोरियम में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ज़ेर निगरानी टीम कैमरामैन एवी इंजीनियर सेट डिजाइनर प्रोफेशनल एंकर्स न्यूज कास्टर्स और रिपोर्टिंग टीम इस बेहतरीन इवेंट पे हम ला रहे हैं आपके लिए ऐसे रंगारंग प्रोग्राम्स जिसमें पेश किए जाएंगे हजारा के रंग हजारा की रवायत हजारा की सकाफत और हजारा का कल्चर अपने मन का मुजाहरा करेंगे नामवर फनकार किस लिए तुम हिजा करते जा रही है एक ऐसी पुरवकार तकरीब जिसे आप मुद्दों याद रखेंगे तो शामिल होना मत भूलिएगा हजारा वन टीवी एबटाबाद अस्सलाम वालेकुम हजारा वन न्यूज के साथ मैं हूं ईशा रानी अब खबरें तफसील के साथ एबटाबाद नादरा ऑफिस के 5 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद आज मोरखा 25/11/2020 से 5 दिन के लिए नादरा ऑफिस एबटाबाद को सील कर दिया गया दूर इलाकों से आने वाले अवाम को मुश्किलात का सामना कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद जारी है डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हदायत पर तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्किट्स और पब्लिक मकामात का मुआयना कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद डॉक्टर मुश्तबा ने एबटाबाद सिटी में 25 रेस्टोरेंट्स और 5 शादी हॉल्स का मुआयना किया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने मैन शाहिरा रेशम पर 2 शादी हॉल्स फ्रूट दूध दही पेट्रोल पंप्स और जनरल स्टोर का मुआयना किया SOPs की खिलाफ वर्जी और सफाई के फकदान पर 3 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए वफाकी वजीर बराए तवानाई पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल जनाब उमर अयूब खान ने GT रोड जारी कस्ता यूपुल हवेलियाँ की असरनों तामीर के लिए 60 करोड़ रुपए और हानपुर जोलियाँ तटक्सला म्यूजियम रोड की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए जबकि रेलवे स्टेशन हरिपुर के करीब वाकिया बरसाती नाले पर न्यू पुल की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए की खतीर फंडिंग मंजूरी कराई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के GM हबीबुर रहमान और डिप्टी डायरेक्टर मसूद अहमद ने वफाकी वजीर जनाब उमर अयूब खान से मुलाकात की और पुल की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जिससे न सिर्फ अवामी सफरी मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हुआ बल्कि मस्कूरा रोड पर सियाहों की आमदोरफ़्त में भी इजाफा हुआ है जिससे सियाती मकामात से जुड़े अफराद के रोजगार में खातर खवा इजाफा होगा हरिपुर नौ तैनात DPO काशिफ जुल्फिकार का हरिपुर प्रेस क्लब का दौरा इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मलक फैसल इकबाल चेयरमैन जाकिर हुसैन तनोली राशिद महमूद के अलावा दीगर अहदेदारान मेंबरान भी कसी तादाद में मौजूद मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में हरिपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर काशिफ जुल्फिकार ने कहा है कि कम नफरी और महदूद वसाइल के बावजूद भी जुराइम को कंट्रोल करके जिला हरिपुर को अमन का गेवारा बनाएंगे पुलिस और मीडिया का चोरी दामन का साथ है साफियों की मुस्बत तनकीद पुलिस की इसलाह का बाइस है अवाम के पुलिस के हवाले से मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है इलावाजी तकरीबन तमाम मकतबाई फिकर वकला साफियों उलमाए कराम और ताजरों से मुलाकात कर चुका हूँ जिसके बाद पब्लिक निजाम कौंसल को एक्टिव करने के लिए इकदाम किए जाएंगे क्योंकि अवाम के तआवुन के बगैर पुलिस का जुराइम पर काबू पाना मुमकिन नहीं इन ख्यालात का इजहार DPO हरिपुर काशिफ जुल्फकार ने हरिपुर प्रेस क्लब के दौरे के मौका पर अहदेदारान व मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए किया
टीपीओ काशिफ जुल्कार ने कहा है कि प्रेस क्लब के तावन से हरिपुर को एक मिसाली जिला बनाएंगे। अपनी तैनाती के दौरान हवाई फायरिंग, मंशात फरोशों और दीगर जुराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां का आगाज कर दिया है। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मलक फैसल इकबाल खान, चेयरमैन जाकुर हुसैन तनोली और दीगर अहदेदारान व मेंबरान ने डीपीओ हरिपुर को शहर के मसाइल के हवाले से आगाह किया। डीपीओ हरिपुर ने तमाम तजावीज और मसाइल सुनकर उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। राशिद महमूद, हजारा वन न्यूज, हरिपुर। इक़वामे मुत्तहदा की नई पॉलिसी के मुताबिक पूरी दुनिया की तमाम एनजीओस की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के अहकामात जारी। मज़ीद तफ़सीलात से जानते हैं नवाबशाह से नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी से। जी बिल्कुल, इक़वामे मुत्तहदा की नई पॉलिसी के मुताबिक पूरी दुनिया की तमाम एनजीओस की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के लिए अहकामात जारी होने के बाद पाकिस्तान में भी कानून पर अमल करने के सिलसिले तमाम तंजीमों की पुरानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। इस हवाले से ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद की तंजीमी सरबराहन को आगाही देने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से CDF हाल सकरण में आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद साबिर कुरैशी ने कहा कि तमाम पुरानी रवायात ख़त्म। अब 10,000 की फ़ीस जमा कराने के बाद सिर्फ उस तंजीम को रजिस्टर किया जाएगा जो आइन में दर्ज 3 शराइत पर अमल करेगी। एक सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट, दूसरी सालाना तंजीमी इंतखाबात और तीसरी ऑडिट रिपोर्ट। बसूरत दीगर किसी भी एनजीओस को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर अब्दुलरहमान खासकेली, अब्दुल हमीद आरई, वारिस नूनारी, खैर मोहम्मद चन्ना, कुर्बान शाह, सलीम उमरानी, मुराद खानजादा, एजाज कीरो और जावेद सनाई ने भी शिरकत की। सांगड़ का वाहिद पार्क जो गुज़िश्ता 30 सालों से गैर फहाल है, रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान ड्रेन। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सांगड़ के रानी बाग में। गुज़िश्ता 30 साल से ये पार्क गैर फहाल है। आपको बताया चलूँ कि इस पार्क पे होने वाली करप्शन की इंतहा है। इस पार्क पे हर साल करोड़ों रुपए का बजट तो आ जाता है, पर वो बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। आपको बताया चलूँ कि इस वक्त ये पार्क पूरे शहर से 10 फुट नीचे होने की बिना पर यहाँ पर गटर नालों का पानी और बरसाती पानी भी इस पार्क में छोड़ दिया जाता है, जो शहरों के लिए मुश्किल का बायस बन रहा है। शहरों जब हमारे शहरों से बात हुई तो शहरों का यही कहना है कि इस पार्क में पानी छोड़ दिया जाता है, गटर नालों का पानी, तो इस पर तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और यहाँ पर मच्छरों का भी अजाब है और शहरी तरह तरह की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। शहरों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द यहाँ इस पार्क में होने वाली करप्शन की इंक्वायरी कराई जाए और जल्द से जल्द इस पार्क को फाल किया जाए शहरों के लिए। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान, रैन सांगड़। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी और कामयाबी, वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। कोरोना की पहली लहर के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान कर दिया। बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर पाकिस्तान को सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा। अब चलते हैं मौसम की सूरत हाल पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हजारा वन न्यूज की नुमाइंदा फायजा रानी। जी फायजा, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी ईशा, इस टाइम हम मौजूद हैं एबटाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा रोज है। एबटाबाद में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और गलियात वाली साइड पे बर्फबारी हो रही है। एबटाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एबटाबाद का दर्जा हरारत कम से कम 8 सेंटीग्रेड। बाहर से आने वाले सियाहों के लिए गुजारिश है कि GDA के अहकामात पर अमल दरामद करें। गलियात के पहाड़ों पे 2-2 फुट 3-3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जिससे एबटाबाद की सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी ईशा, ये थी अब तक की न्यूज। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए hazara1.tv और सुनते रहिए रेडियो स्माइल 88.6। इशारानी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।